रामगंगा बिहार स्थित दिव्य योग आश्रम में चल रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज सामूहिक रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित सामूहिक रुद्राभिषेक में मुख्य यजमान ऋतु, मधु सक्सेना और शालिनी अपने परिवार के साथ शामिल हुए। आयोजित सामूहिक रुद्राभिषेक में 108 जोड़ों ने हिस्सा लिया और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर धर्म लाभ कमाया। इस अवसर पर कार्यक्रम का पूजन पूर्ण विधि विधान के साथ पंडित लोकेश शर्मा, अजय कांत मिश्र और पंडित प्रकाश वीर के द्वारा संयुक्त रूप से कराया गया। प्रांगण में चल रहे 51 घंटे के अखंड पंचाशत जाप को आज विश्राम दिया गया। उसके बाद सामूहिक रुद्राभिषेक शुरू हुआ। सामूहिक रुद्राभिषेक से पहले सुधांशु जी महाराज के द्वारा फोन के माध्यम से भक्तों को आशीर्वाद दिया गया और रुद्राभिषेक का महत्व समझाया गया। इस अवसर पर आयोजन में उपस्थित समस्त भक्तगणों को सुधांशु जी महाराज ने बताया कि भगवान शिव अपने भक्तों की पूजा से बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामना को भी बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। सुधांशु जी महाराज ने बताया कि भोलेनाथ सबसे सरल उपासना से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है। कहते हैं कि रुद्राभिषेक से शिव जी को प्रसन्न करके आप असंभव को भी संभव करने की शक्ति पा सकते हैं और शिव जी की कृपा से सारे ग्रह बाधाओं से और समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। प्रवचन के बाद वैदिक मंत्रों उच्चारण की गूंज में भगवान शंकर का सामूहिक रुद्राभिषेक प्रारंभ हुआ, जिसमें भक्तों के द्वारा पार्थिव शिवलिंग की पूजा की गई। इस दौरान भक्तजनों ने भांग, धतूरा, बेलपत्ती, फल, दूध, गंगा जल आदि से पार्थिव शिवलिंग का जलाभिषेक किया और रुद्राभिषेक सम्पन्न किया। सामूहिक रुद्राभिषेक संपन्न होने के बाद आरती की गई और फिर भंडारे का प्रसाद भक्तगणों में वितरित किया गया। इस अवसर पर संजय शर्मा, किरण शर्मा, संजीव वर्मा, संगीता वर्मा, विनोद भटनागर, मंजू भटनागर, राजेंद्र मंडोला, आशा मंडोला, अनुराधा, अशोक कौशिक के द्वारा जल व्यवस्था की गई, तो वहीं ऋतु के परिवार द्वारा भंडारे की व्यवस्था और मधु सक्सेना द्वारा मंदिर की फूलों की सजावट कराई गई। पंडित प्रकाश वीर जोशी द्वारा पार्थिव शिवलिंग पूजन और रुद्राभिषेक संपन्न कराया गया। आयोजित कार्यक्रम में प्रधान राकेश अग्रवाल, महिला प्रधान शोभा अग्रवाल, पूनम गुलाटी, मीरा अग्रवाल, सुनीता मंगला, सुनीता छाबड़ा, आशा भंडूला, मधु चौधरी, रीतु कांता, सुमन लता, सत्या विदुला, गीता अग्रवाल, हरिशंकर, उदय राज पांडे, आर के गंगवार, विवेक शर्मा, मनीष गुप्ता आदि का विशेष सहयोग रहा। किस तरह का कार्यक्रम रहा? 3 दिन से आपका कार्यक्रम चल रहा, कैसा रहा 3 दिन का? ये 5-6-7 जो जाप चल गया था ओम नमः शिवाय का, उसका आज रुद्राभिषेक हो रहा है। 102 जोड़े बैठे हुए हैं, जिसमें सारी सामग्री जो है मिशन से दी गई है और विशेष रूप से प्रसाद में रुद्रास की माला दी जा रही है और एक एक उन्हें मिठाई का प्रसाद का डिब्बा भी दिया जा रहा है और विशेष रूप से बहुत मेहनत करी गई है इसके कार्यक्रम में। कितना बड़ा कार्यक्रम था ये और 3 दिन से लगातार चल रहा था, कैसा रहा रिस्पॉन्स? ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा इसका। 51 घंटे पता ही नहीं चले किस तरीके से हो गए और बराबर जो है जाप करने वालों की लाइन लगी रही और लोगों को बड़ी उत्सुकता और बड़ा आप लोगों के सहयोग से बड़ा जागरण रहा। पूरे मुरादाबाद के अंदर जागरण है इसका और चर्चा है कि आज जागृति मिशन दिव्यलोक आश्रम पर बहुत बड़ा जो है एक यज हो रहा है। किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया था? ये शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो है ये कार्यक्रम रखा गया और इसका छोटा सा प्रारूप था एक ये कि कैसे जो है होगा, लेकिन बहुत ही सफल और बहुत ही एक बड़ा कार्यक्रम होकर ये कार्यक्रम हो रहा है। मुरादाबाद के भक्तों को क्या शुभकामनाएं? मुरादाबाद के भक्तों को यही शुभकामना है कि ऐसे कार्यक्रम होते रहें और वो लोग इसमें सहयोग करते रहें और सहयोग पैसे से ही नहीं शरीर से भी होता है, जो कि खास तौर से विशेष रूप से इसमें देखा गया कि हर परिवार से कोई ना कोई महिला आनकर इसमें ओम नमो शिवाय का जाप करती ही रही। धन्यवाद। मैम क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था आज? हमने अपने जाप की समाप्ति के बाद में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके उनका अभिषेक का सामूहिक अभिषेक का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया हुआ है। कैसे किस तरह से तादाद रही है भक्तों की? बहुत अधिक तादाद है, हमें तो उम्मीद से ज़्यादा हमारी तादाद यहाँ पे नज़र आ रही है और काफ़ी यहाँ पे सब लोगों को पसंद आ रहा है, इसीलिए सब लोग यहाँ पे पहले आकर के घर से फ़ोन कर करके लोगों को बुला भी रहे हैं जो बाद में अभी तक लोग आ रहे हैं और अभी हम उनको बैठने के लिए हमसे मना करना पड़ रहा है क्योंकि पूजा शुरू हो चुकी है।
काफ़ी देर हो चुकी है। अभिषेक बराबर चल रहा है, 108 जोड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं, 108 जोड़े बराबर यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तीन दिन से लगातार यहाँ पर 5 तारीख को सुबह 8 बजे से जाप का कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसके पश्चात में 6 तारीख की भी रात को, 5 तारीख की भी रात को निरंतर चलता रहा। 51 घंटे जाप करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे सारे सहयोगियों ने हमारा बहुत सहयोग किया हुआ है, पूरे विजयाग्रति मिशन परिवार का बहुत अधिक सहयोग रहकर ये कार्यक्रम पूरा हो पाया है। और इसमें अब 7 तारीख को दोपहर को 12 बजे हमने जाप को विश्राम दिया है, उसके पश्चात हमने पार्थिव शिवलिंग पूजन स्टार्ट करके पार्थिव शिवलिंग पूजन का अभिषेक चल रहा है, बराबर चल रहा है। भक्तगण उसके बाद में अभिषेक के बाद महाआरती करेंगे और उसके पश्चात भंडारा सब लोग ग्रहण करके तब अपने घर पर प्रस्थान करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे? सावन माह के शिव जी का बहुत अधिक महत्व है, शिव जी की पूजा का, शिव अर्चन का बहुत महत्व है। लोग गंगा जी से, गंगोत्री से कांवर ले लेकर के आते हैं, हम लोग इतना तो कर लें यहीं बैठ करके शिव जी का अभिषेक कर लें। हम लोग यही कहना चाहते हैं जो लोग कांवर नहीं ले पाए कम से कम यहीं बैठ कर अभिषेक कर लें। पार्थिव शिवलिंग बनाकर अच्छा है, महाराज जी का आशीर्वचन हमें प्राप्त हुए, उन्होंने भी हमें यहाँ पर शिव स्तोत्र की पूरी महिमा बताई और शिव जी के बारे में पूरा भक्तगणों को बताया, जिसको सुनकर भक्तगण अभिभूत हो गए और बहुत उन्होंने अपने आप को गौरवान्वित अनुभव किया।